हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू बैक बेंचर्स। मैं और रितेश, हम बात कर रहे थे राजस्थान ज्योग्राफी। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लेक्स। लेक्स यानी झीलें। ठीक है, अब लेक होती क्या है? एक ऐसा छोटा सा पार्ट होता है जल का, या फिर एक्वेटिक पार्ट होता है जो चारों तरफ से किससे घिरा हुआ होता है? भूभाग से या फिर पृथ्वी से घिरा हुआ होता है। ठीक है, अब देखिए, लेक्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ वाटर, नेचर ऑफ वाटर यानी पानी की प्रकृति पर, यानी पानी किस तरह का होता है। लेक्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ वाटर इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, दो भागों में इसको बांटा गया है। सबसे पहले कौन सी? सॉल्ट वाटर लेक। सॉल्ट वाटर लेक यानी खारे पानी की झील, और फ्रेश वाटर लेक यानी मीठे पानी की झील। अब देखिए, खारे पानी की झीलें और मीठे पानी की झीलें। अब अगर हम सबसे पहले बात करें खारे पानी की झीलें यानी सॉल्ट वाटर लेक, तो देखिए, ऐसा माना जाता है कि हमारे यहाँ पर जो सॉल्ट वाटर लेक्स पाई जाती है वो किसका पार्ट है? जो 33 सागर था उसका जो पार्ट है वो कौन है? सॉल्ट वाटर लेक्स। और ये सॉल्ट वाटर लेक जो, ये सॉल्ट क्यों है, यानी यहाँ पर जो पानी है वो खारा क्यों पाया जाता है? क्योंकि इनके जो तल है, यानी इन झीलों का जो तल है वो किससे बना हुआ है? एक विशेष प्रकार की रॉक्स यानी चट्टान, जिसका नाम क्या होता है? माइका सिस्ट्रोक्स। यहाँ के पानी के खारा होने का कारण क्या है? माइका सिस्ट्रोक। और अगर हम बात करें कि ये किसका पार्ट माना जाता है, तो ये पार्ट माना जाता है 33 सागर का, जो भी खारे पानी की नदियां हैं। ठीक है, झीलें, माफ कीजिए, झीलें। तो अब अगर हम बात करें कि हमारे राजस्थान में कौन कौन से मुख्य रूप से खारे पानी की झीलें पाई जाती थी, मैंने पहले से यहाँ पर लिख रखी है, आप इसे देख सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें सांभर, तो सांभर कहाँ पाई जाती है? जयपुर में, पचपदरा, बाड़मेर में, डीडवाना, नागौर, डेगाना, नागौर, नावा, नागौर, कुचामन, नागौर। ये अगर आपको पता हो तो ये छोटी छोटी सी जगह भी है वहां पर नागौर में। ठीक है, रेवासा सीकर में, कछोर सीकर में, ताल छापर चूरू में। इसके बारे में हमने पहले भी बात की थी। ताल छापर जो है वो रन भी पाया जाता है। ठीक है, ताल छापर रन हमने पढ़ा था। तो ताल छापर जो पाई जाती है वो भी एक तरह की खारे पानी की झील है। वो कहाँ पाई जाती है? चूरू में। उसके बाद अगर हम बात करें लूणकरणसर, बीकानेर में, कवोड, जैसलमेर में, और फलोदी जो है ये जोधपुर जिले में पड़ती है। ठीक है, फलोदी, फलोदी एक जगह का नाम भी, और वहां पर जो झील पाई जाती है उसका नाम भी फलोदी है, जो कि जोधपुर जिले में पड़ती है और एक खारे पानी की झील है। ठीक है, अब हम जो इंपॉर्टेंट झीलें हैं खारे पानी की, उनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारी जो नाम था वो क्या था? सांभर झील, जिसके बारे में हम सबने कहीं ना कहीं तो सुना ही होता है। ठीक है, क्योंकि राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। सांभर लेक यानी सांभर झील। देखिए दोस्तों, ये सबसे पहले अगर हम इसके पॉइंट की बात करें तो ये जो पड़ती है, ये पड़ती है जयपुर में ही, हम सबको पता ही है। ये कहाँ आती है? अगर हम इसकी बात करें कि ये झील जो है ये किसने बनाई थी, तो ऐसा माना जाता है कि ये कंस्ट्रक्टेड बाय, यानी ये जिसने बनाई थी वो कौन थे? वासुदेव चौहान। ऐसा माना जाता है कि वासुदेव चौहान के द्वारा निर्मित है। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग? बिजोलिया, बिजोलिया इंस्क्रिप्शन जो है ये
ठीक है, उसमें ये लिखा हुआ है, बिजुलिया शिलालेख जो है उसमें ये लिखा हुआ है कि वासुदेव चौहान ने इस झील का निर्माण करवाया था। ठीक है, लोकेशन हमने इसकी देख ली है, कहाँ पड़ती है, जयपुर में पड़ती है। अगर हम बात करें कि कौन कौन सी नदियों से मिलकर बनी है, तो वो है, ये हमने पहले भी बात की थी कि ये सांभर झील किन किन नदियों से मिलकर बनी है। ठीक है, पिछले लेक्चर्स में हमने बात की थी, मैनथा, थारी और रूपनगढ़। ठीक है, मैनथा, खारी और रूपनगढ़ से ये मिलकर बनी हुई है। ठीक है, इसमें एक और नदी हम ऐड कर सकते हैं। ये सारी छोटी छोटी सी नदियां हैं, खांडेला, मैनथा, खारी, रूपनगढ़ और खांडेला। हमने देखा था कि हमने जब रिवर्स की थी उस दौरान हमने सांभर लेक के बारे में भी थोड़ी सी बात की थी कि मैनथा आती है, खारा आती है, रूपनगढ़ आती है और खांडेला आती है। ये छोटी छोटी सी नदियां हैं जो कि सांभर झील के अंदर जाकर गिरती है। ठीक है, फिर अगर हम इसके अगले पॉइंट की बात करें, लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक ऑफ राजस्थान, राजस्थान की ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, और अगर इंडिया में बात करें तो ये सेकंड नंबर पर है। अगर हम इंडिया में फर्स्ट बात करें तो वो कौन सी होती है, वो हमें पता है, वो होती है जो चिल्का झील है, वो है इंडिया में सबसे बड़ी खारे पानी की झील। ठीक है, रामसर साइट, और इसे ऐसा घोषित कब किया गया था, 1990 में। देखिए, रामसर साइट इसे घोषित किया गया था कंजर्वेशन ऑफ बर्ड्स के लिए। अब कौन कौन से कंजर्वेशन ऑफ बर्ड्स, यानी कौन कौन से बर्ड्स का इसमें कंजर्वेशन किया गया था, तो वो था खुर्जा बर्ड एंड राजहंस। ठीक है, खुर्जा बर्ड और राजहंस, इनके कंजर्वेशन के लिए इसे क्या घोषित किया गया था, रामसर साइट घोषित किया गया था। तो ये सारी बात तो थी सांभर झील की। अब अगर हम सेकंड बात करें तो ये वो बात है, पचपदरा लेक। ठीक है, पचपदरा लेक, जैसा कि हमें पता है कहां ये, बाड़मेर में। अब देखिए, इस झील के बारे में सबसे बड़ी खासियत क्या है कि यहां पर जो है मैक्सिमम ब्राइन वाटर है, मैक्सिमम ब्राइन वाटर यानी सबसे खारा पानी पाया जाता है। अब ऐसा क्यों है, यहां पर सबसे ज्यादा खारा पानी क्यों पाया जाता है, क्योंकि यहां पर जो पानी पाया जाता है उसके अंदर जो सोडियम क्लोराइड की मात्रा है, यानी जो NaCl की मात्रा है, वो सर्वाधिक है। और वो कितनी है, 98%, ये बहुत ज्यादा होती है, 98% यहाँ पर NaCl की मात्रा है। तो यहाँ पर जो है बहुत अच्छी क्वालिटी का जो है नमक बनता है या फिर साल्ट बनता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, पचपदरा लेक जो है यहाँ पे सबसे ब्राइन वाटर यानी सबसे खारा पानी पाया जाता है, और वो उसमें कितना परसेंट NaCl है, 98%। अगर हम बात करें अगली झील की, सबसे पहले हमने बात की सांभर झील की, फिर बात की हमने पचपदरा झील की, अब हम बात करते हैं डीडवाना। जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया, ये कहाँ पाई जाती है, नागौर में। अब देखिए, इसकी विशेषता क्या है, यहां पर जो नमक बनता है यानी जो यहाँ पे सॉल्ट बनता है वो सबसे चीपेस्ट क्वालिटी का बनता है, चीपेस्ट क्वालिटी यानी सबसे खराब गुणवत्ता वाला घटिया नमक यहाँ से बनता है। ठीक है, अब इसका कारण क्या है, यहाँ पर जो सॉल्ट पाया जाता है वो चीपेस्ट क्वालिटी का सॉल्ट क्यों पाया जाता है, बनता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए, नमक अच्छा बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है, NaCl। ठीक है, तो यहाँ पर NaCl की जगह क्या पाया जाता है, सोडियम सल्फेट की मात्रा यहाँ पर बहुत ज्यादा पाई जाती है इंस्टीड ऑफ NaCl। तो NaCl की मात्रा कम होने और सोडियम सल्फेट की मात्रा ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर चीपेस्ट क्वालिटी साल्ट प्रोड्यूस होता है। और ये जो सॉल्ट है ये खाने में काम में नहीं आता है, ठीक है, ये दूसरे केमिकल वर्क्स के लिए काम में आता है। और इसी वजह से यहाँ पर राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स स्टेब्लिश किया गया है।
ठीक है, अगर कोई भी पूछे या फिर एग्जाम ना आ जाए, ये एक बार आया हुआ भी है तो आप ध्यान रखिएगा, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स जो है वो, उसकी स्थापना कहाँ की गई है, डीडवाना झील पर। क्यों की गई? क्योंकि यहाँ पर चीपेस्ट क्वालिटी सॉल्ट या फिर इस यहाँ के पानी के अंदर सोडियम सल्फेट की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले खारे पानी की झीलों के अंदर सांबर लेक पढ़ी, फिर हमने पढ़ी पचपदरा लेक, फिर हमने पढ़ी डीडवाना झील। ठीक है, अब हम बात करते हैं मीठे पानी की झीलों के बारे में। बाकी की जो दोस्तों खारे पानी की झीलें हैं उनका नाम और उनकी लोकेशन ही सफिशियंट है। तो जो मीठे पानी की झील है यानी कि फ्रेश वाटर लेक्स हैं, देखिए हम बात करते हैं फ्रेश वाटर लेक। देखिए फ्रेश वाटर लेक जो है वो सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है, यानी मीठे पानी की झीलें हमारे यहाँ पर सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है, हमारी झीलों की नगरी उदयपुर। उदयपुर के अंदर सबसे अधिक मीठे पानी की झीलें हैं। तो अगर हम सबसे पहली झील की बात करें तो वो है जयसंबंध। ठीक है, अब देखिए जयसंबंध के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात तो ये कि ये कहाँ है, ये है उदयपुर के अंदर। फिर हम बात करें कि इसे किसने बनाया, तो देखिए इसके नाम से ही पता चल रहा है हमें, महाराणा जयसिंह। ठीक है, तो महाराणा जयसिंह ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, अब ये कौन से ड्यूरेशन में निर्माण करवाया था, वो निर्माण करवाया था 1685 से 1691, ये इसका निर्माण काल था। तो देखिए इसका निर्माण करवाने में कितना समय लगा था, 6 साल। देखिए दोस्तों इसका निर्माण करवाया गया था, इसका निर्माण करवाया गया था यानी ये क्या थी, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल यानी ये नेचुरल लेक नहीं थी, ये कैसी लेक है, प्राकृतिक कृत्रिम लेक है। ठीक है, तो कृत्रिम लेक ये राजस्थान की लार्जेस्ट मैन मेड लेक है। भाई कृत्रिम वही तो होती है जो इंसानों द्वारा बनाई जाती है, मैन मेड चीज को तो हम आर्टिफिशियल कहते हैं यानी कृत्रिम कहते हैं। तो ये राजस्थान की लार्जेस्ट मैन मेड लेक है, हम किसकी बात कर रहे हैं, जैसलमेर झील की। अब देखिए ये लार्जेस्ट मैन मेड झील है, अब इसके अंदर 7 छोटे छोटे टापू है, 7 आइलैंड है। ये कई बार एक दो बार एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे बड़ा टापू जो यहाँ पर पाया जाता है उसका नाम, या फिर सबसे छोटा टापू पाया जाने वाला है, या फिर वो जो मिलान करने वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनमें भी पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा इसके अंदर 7 छोटे छोटे टापू है, उनमें जो सबसे बड़ा है वो कौन सा है, बाबा जी का भाकड़ा। और अगर हम स्मॉलेस्ट की बात करें तो वो है प्यारी। ये दोनों वहां पर पाए जाने वाले टापुओं के नाम है, 7 पाए जाते हैं, उनमें सबसे बड़ा कौन सा है, बाबा जी का भाकड़ा, और स्मॉलेस्ट कौन सा है, प्यारी। अगर हम इन पर ट्राइब की बात करें कि कौन सी ट्राइब इन टापुओं पर रहती है या फिर इसके आसपास वाले एरिया में रहती है, तो वो सबसे ज्यादा ट्राइब कौन सी है, भील और मीणा। भील और मीणा ट्राइब यहां पर सबसे ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर भील और मीना ट्राइब सबसे ज्यादा पाई जाती है क्योंकि ये मैनमेड लेक है। तो एग्रीकल्चर के लिए यहाँ पर 2 कैनाल बनाई गई थी, इरिगेशन जिसे हम कह सकते हैं, सिंचाई के लिए यहाँ पर 2 कैनाल यानी 2 कैनाल्स बनाई गई थी, जो है उनके नाम देखिए, एक तो थी श्यामपुरा कैनाल और दूसरी थी भाट कैनाल नहर। ठीक है ना, तो 2 नहरें बनाई गई थी इरिगेशन के लिए यानी सिंचाई के लिए, सबसे पहले थी श्यामपुरा नहर यानी श्यामपुरा कैनाल और भाट कैनाल यानी भाट नहर। ठीक है, ये दोनों किसके लिए बनाई गई थी, फॉर इरिगेशन। अब देखिए जैसलमेर झील के बारे में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज वन ऑफ द 26 सेंचुरीज ऑफ राजस्थान।
ये राजस्थान की 26 सेंचुरीज में से एक है, ठीक है, इट इज द वन ऑफ द 26 सेंचुरीज ऑफ राजस्थान। और इसे ऐसा क्यों डाला गया है, क्योंकि यहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स पाए जाते हैं, यानी यहां पर सबसे ज्यादा जलीय जंतु पाए जाते हैं। सर्वाधिक जलीय जंतु अगर पूछा जाए कि कहां पाए जाते हैं, तो कहां पाए जाते हैं, जैसलमेर झील में, इसलिए इसे क्या कहते हैं, जलचरों की बस्ती भी कहा जाता है, जलचरों की बस्ती, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, जलचरों की बस्ती भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये सारी बात थी जैसलमेर झील के बारे में, ठीक है, ये हमारी पहली मीठे पानी की झील थी जिसका नाम क्या था, जैसलमेर। इसके बारे में हमने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लिए, उदयपुर में है जयसिंह, आर्टिफिशियल लेक है, लार्जेस्ट मैनमेड लेक है, सात आइलैंड है, ठीक है, यानी सात द्वीप है जिनमें सबसे बड़ा बाबा जी का बागड़ा और स्मॉलेस्ट है प्यारी, दो कैनाल पाई जाती है इरीगेशन के लिए, श्यामपुरा और भाट कैनाल, ठीक है, भील और मीना ट्राइब यहाँ पर सबसे ज्यादा पाई जाती है। इट इज वन ऑफ द 26 सेंचुरीज ऑफ राजस्थान, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा जलीय जंतु पाए जाते हैं, इसलिए इसे जलचरों की बस्ती भी कहा जाता है, ठीक है। अब अगर हम सेकंड बात करें तो वो है पिछुला लेक, पिछुला झील, ये भी कहाँ पाई जाती है, उदयपुर में। अब देखिए, ऐसा माना जाता है कि इस झील का जो निर्माण है वो बंजारा कम्युनिटी के द्वारा किया गया था, बंजारा कम्युनिटी के द्वारा किया गया था। अब ये कब किया गया था, जब राणा लाखा का जो शासनकाल था, राणा लाखा का जो शासनकाल था उस वक्त इसका निर्माण किया गया था। लगभग अगर हम इसके फॉर्मेशन पीरियड की बात करें तो 1388 में इसका निर्माण किया गया था। अब देखिए, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं आपको बोल के बता देता हूं। देखिए, जब इसका निर्माण किया गया तो उसके बाद इसके अंदर कई सारे पर्यटन स्थल भी बनाए गए थे, जैसे नडनी का चबूतरा बनाया गया था, जग महल बनाया गया था, जग मंदिर बनाया गया था, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि जग मंदिर जब यहाँ पर बनाया गया, तो जब शाहजहां का जो शासन का, शाहजहां का जो रिबेलियन पीरियड था, यानी शाहजहां का जो विद्रोह काल था, तो सब शाहजहां भाग के जग मंदिर में छुपा हुआ था, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि शाहजहां ने जग मंदिर में आकर शरण ली थी और वो यहाँ पर काफी समय तक रुका हुआ भी था, ठीक है। तो उसे जो जग मंदिर है वो काफी पसंद आए थे और इसीलिए ऐसा माना जाता है कि उसने वहां पर वापस जाकर आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया। तो जो ताजमहल है उनकी जो प्रेरणा स्रोत माना जाता है, वो ऐसा माना जाता है कि ताजमहल का जो प्रेरणा स्रोत है वो क्या है, जग मंदिर है, ठीक है। जग मंदिर ही ताजमहल का प्रेरणा स्रोत है, ये अगर कहीं पर आपको कोई पूछ ले तो आप उसे बता सकते हैं कि जो ताजमहल का जो प्रेरणा स्रोत है वो है जग मंदिर, क्योंकि शाहजहां ने यहाँ पर शरण ली थी, शाहजहां ने यहाँ पर सेल्टर किया था जग मंदिर के अंदर, ठीक है, अपने रिबेलियन पीरियड में, यानी अपने विद्रोह काल में, और उसे इतने पसंद आए थे कि उसने इन्हीं के थीम पर, यानी इन्हीं की प्रेरणा, इनसे प्रेरणा लेके वापस ताजमहल का निर्माण करवाया था, ठीक है। एक और पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है, जो फर्स्ट सोलर बोट है वो कहां यूज की गई थी, पिछोला झील में, जो फर्स्ट सोलर बोट का जो इस्तेमाल किया गया था वो भी सबसे पहले पिछोला लेक में ही किया गया था, ठीक है। तो ये सारी बातें थी हमारे पिछोला झील के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने बात की खारे पानी की झीलों के बारे में, ठीक है, उनमें से हमने इंपॉर्टेंट झीलें पड़ी, सांबर झील, पचपतरा झील, डीडवाना, उसके बाद हमने फ्रेश वाटर लेक्स के बारे में बात की, यानी मीठे पानी की झीलों के बारे में बात की। तो सबसे पहले हमने उसमें क्या पड़ी थी, जैसलमेर झील, उसके बाद हमने बात की पिछोला झील के बारे में। जो आगे की जो झीलें हैं मीठे पानी की झीलें, उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।